जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बनने वाला लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। हाँ दोस्तों, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत और ये मेगा प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का। और इस एक्सप्रेसवे को अखिलेश सरकार में प्रस्तावित दिया गया था और अब योगी सरकार इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कोरोना काल आने के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर एक बार इस एक्सप्रेसवे का निर्माण में तेजी आ गई है। दोस्तों ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर बन रहा है और सरकार ने जो इसकी कॉस्ट रखी गई है, जो अनुमानित लागत है 4700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगाई जाएगी। इससे ऊपर भी इस एक्सप्रेसवे की लागत लग सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो स्टार्ट है वो शहीद पार्क इन लखनऊ से स्टार्ट किया जाएगा और एंड जो पॉइंट है इसका उन्नाव एंड प्रपोस्ट ऑफ लिंक रोड ऑफ कानपुर तक ये तैयार किया जाएगा, जो कि आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। और इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले 38 अंडरपास होंगे और इसमें 28 इसमें मेजर ब्रिज किए जाएंगे। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता दूं, इस कॉरिडोर के अनुसार इस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जो कि चित्रकूट आपका झांसी आगरा अलीगढ़ में बनाया जाएगा। दोस्तों इसकी इसको डेवलप इन सभी जिलों को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री एरिया यहां पर लगाया जा रहा है। और इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन में तब्दील किया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले किसानों की जो ज़मीन है 440 हेक्टेयर के अंतर्गत जमीन लगी जाएगी। और जो भूमि अधिकरण पे जो खर्च होना है, जो भूमि अधिकरण की जाएगी किसानों की लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में 900 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, जो अनुमानित लागत है। इससे ऊपर भी खर्चा जा सकता है। तो दोस्तों लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हम इस पर ग्राउंड रिपोर्ट भी बहुत जल्द देने वाले हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।